हेलो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं फ्रांस के मॉल में, देखते हैं क्या होता है। तो भाई अब हम आए हैं इस मॉल में और यहाँ पे हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, प्राइस भी मुनासिब है। ये शर्ट भी आप देख सकते हैं, ये देखें 4-4 यूरो की शर्ट्स लगी हुई हैं, काफ़ी सारी साइजेस हैं। और ये मॉल है, दिन का टाइम है तो इसलिए आप मौसम भी चेक कर सकते हैं, देख धूप पड़ी है। और ये देखें 9 यूरो की शर्ट। ये कपड़े काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मेरा भाई है ना, वो असल में ना एक फ्री वाईफाई ढूंढ रहा है यहाँ पे, तो इसको फ्री वाईफाई मिल जाए मॉल में, वो सबसे पहले करता ही यही है। कर ले सिलेक्ट। इसमें ये है ना कि भाई यहाँ पे चीज़ों के रेट बेल्जियम से सस्ता है ना, फ्रांस में उससे ज़्यादा सस्ता जर्मनी। कितने का डब्बा? 3.5 का ले रहे। देखा तो मेरा दिल ही कर रहा है, लेकिन टेस्टी है ये मिक्स फ्रूट है ना, तो हमें ये भी ले लिया। और भाई भी रश तो यहाँ पे बहुत है, क्या कर सकते हैं। ये ड्रिंक्स का पोर्शन आगे है, ड्रिंक्स का पोर्शन। ये इनका गोदाम भी है, हाँ सबसे बड़ा कैन कितना 550 का। ये एक यहाँ पर रख लो और मैं रेडबुल देख लूँ। रेडबुल छोटा, रेडबुल नहीं है किधर है। और भाई शॉपिंग तो कर ली, अब हम वापस जा रहे हैं। और ये फ्रांस का आपने देख लिया, बहुत अच्छा स्टोर है, इसको 10 out of 10 ही मैं दूंगा। और यहाँ पे भाई अच्छा सीन है। तो दोस्तों हम मॉल से बाहर आ गए हैं, शॉपिंग भी हो गई है, 10 यूरो की बचत भी हो गई। बिल्कुल दोस्तों, ये लो जी जनाब, हम जो 15 मिनट में बेल्जियम भी पहुंच गए हैं, फ्रांस में आए हुए थे और अब बेल्जियम पहुंच चुके हैं। ये देखिए, हाँ मैं बेल्जियम में मौजूद हूँ, मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं सीधा जो है वो सीधा देखें तो वहाँ पे है फ्रांस। तो ये दोनों देखिए, कोई बॉर्डर नहीं है यहाँ पे, आप देख सकते हैं जो मर्ज़ी जा सकते हैं यहाँ पे। ये देखें मेरा एक पैर जो है वो अब फ्रांस में है, अब मैं फिर बेल्जियम आ गया। देखो ये है बॉर्डर, देखें अगर आपके लिंक्स इतने अच्छे हों तो फिर देखें किसी बॉर्डर को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रांस के घर में एंटर हो गया हूँ गाइस, देखो फ्रांस के घर में नंबर प्लेट सिर्फ चेंज है, बाकी देखें घर थोड़े से डिफरेंट होंगे लेकिन सेम है। तो वो सामने देखें डच लैंग्वेज में फ्रांस लिखा हुआ। अब आप रोड बाय रोड इतने रास्ते हैं जहाँ से आप फ्रांस एंटर हो सकते हैं बेल्जियम के थ्रू। तो इसको कहते हैं यूनिटी, जो आपस में इन्होंने रखी हुई है, कोई आप भी आ जा सकता है।